अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ मक्का की ज़ियारत करने के लिए, तो निकलते हैं, थोड़ी देर में गाड़ी आने वाली है। चलो जी, बस आ गई है जी, निकलते हैं फिर ज़ियारत के लिए हम। ओहो, बड़ी भीड़ है आज भी। तो हमारी पहली जो ज़ियारत है वो जबल सोर है, जो हम पहुंच चुके हैं अभी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने जो पहाड़ है, ये जबल सोर, जबले बोलते हैं पहाड़ को, सोर बोलते हैं ऊंट की शक्ल में जो पीछे उसका बैक बना होता है उसको बोलते हैं। देख सकते हैं आप ये, माशाल्लाह ज़ियारत करें इसकी। जहाँ पर हमारे प्यारे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लेकर आए जी। पहाड़ की जो बोल रहे 5413 फीट है, कितनी? 5413 फीट है। इस पर चढ़ने चढ़ने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 से 2.5 घंटे। और आने के लिए फजर के फौरी बाद आना पड़ता है, जो उस वक्त ठंडा मौसम होता है, चढ़ जाता है। आप देख रहे हो तो दो बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं ना, बिल्कुल टॉप पर जी। बड़ा है, छोटा है, बीच में जगह खाली है, ठीक है। वहाँ पर ही है गार सोर, जिस गार में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जरा तरह 2 दिन 3 रातें क़याम फरमाया जी। और मैदान अरफात नंबर 1 जो 12वां महीना होता है इस्लामी महीना, उसको ज़ुल्हज बोलते हैं, उसकी 9 तारीख हो और अहराम की हालत हो। अगर कोई पीने वाला बोर्ड क्रॉस करके अंदर दाखिल हो गया तो हज नहीं करता। 9 ज़ुल्हज हो, अहराम की हालत हो, अगर कोई पीला बोर्ड क्रॉस करके अंदर आ जाए तो हज नहीं करता, बाकी तो मुनासिब अदा करते होते। अब हम चलेंगे यहाँ से जी जबल रहमत का जो पहाड़ है उसकी तरफ। यहाँ से पैदल ही जाना है हमने आधा 1 किलोमीटर, क्योंकि ये मैदान अरफात में खड़े हैं हम वगैरह चल रहा है इसकी वजह से, क्योंकि हज का महीना भी करीब है इसीलिए। चल रहे हैं जी अपना ग्रुप सारा।
ये हो गए जी दाऊद भाई हमारे साथ, अभी ये हैं, ये इनकी वाइफ। चलो बड़ी रश है जी यहाँ पे, आज देख सकते हैं आप यहाँ पे। अरबी में लिखा हुआ है मरहबा बिकुम फी जबल और रहमा, ये अरबी में लिखा हुआ है। जबले रहमत का पहाड़ जो है वो ये, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जबले रहमत का पहाड़ है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था आखिरी हज के दौरान, इसी जगह पे, इसी मुकाम पे। तो यहाँ हम कुछ इसके बारे में जानेंगे और दुआ वगैरह करेंगे और निकलेंगे यहाँ से आगे दूसरी ज्यारत की तरफ अपनी। माशा जी, मैंने और दाऊद भाई ने प्लान बना लिया है इसको ऊपर जाने का, बाकी सारा ग्रुप वहीं पे है। तो देखते हैं, या तो इसी रास्ते आए या तो गुम हो गए। चढ़ेंगे थोड़ी देर, अगर गार्ड वगैरह नहीं होंगे तो फिर इसी रास्ते से वापस जाएंगे ना, रहमत के ऊपर चढ़ेंगे। चलिए जी, ये है जी माउंट अरफात, इज लोकेटेड साउथ ईस्ट ऑफ मक्का 18th अवे फ्रॉम द मस्जिद हराल हाम 6 अगर मैंने। ये इसकी सारी बायोग्राफी है, बाद में पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। ऊपर हम नहीं चढ़ सके बिकॉज क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इस रूट से जाना है और इसी रूट से वापस नहीं आना है, अगले साइड दूसरे रूट से जाना पड़ेगा, फिर वो हमारी बस मिस हो जाएगी, बाकी परेशान हो जाएंगे हम, बाकी परेशान हो जाएंगे फिर सबको अटकना पड़ेगा। ख्याल करते हैं हम लोग और क्या, फिर वापस बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अगर मस्जिद निमरा, ये किसी को अगर वहां पे खड़ा मिला तो उसको मस्जिद निमरा मिला। थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ेगी, चारों ओर दिख रहे हैं, ये मस्जिद कौन सी जुराना, जुराना मस्क, यहीं से आराम बांधने अब तारीख का जुराना है। आए थे अच्छा, पहुंच गए जी हम मस्जिद जुराना। हाँ अंदर अंदर, और यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट उम्रा स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आज मेरा आज चौथा उम्रा होगा, मैं आज करूँगा अपनी दादी के नाम का उम्रा, उनको डेडिकेट करूँगा ये उम्रा। तो माशाल्लाह बने रहिए, फिर
करते हैं, पहले वज़ू वगैरह बनाते हैं, फिर अहराम निकल जाएंगे मक्का शरीफ की तरफ। और ये ज़्यारत छोटी छोटी जो ज़्यारत हैं, दो चार ज़्यारत जो थी वो हमने कर ली हैं आज, तो बाकी खुद से आएंगे टैक्सी से, बाकी ज़्यारत भी करवाऊँगा मैं आपको इंशाल्लाह। अहराम लाए बांधोगे? चलो हाँ हाँ, ये जो है साथ में ही लेके आया हूँ। भीड़ बड़ी है यहाँ पे भी, सब वज़ू बना रहे हैं, तो चलिए फिर बनाओ वज़ू बना के अहराम बांध के क्या होता है। चलिए जी हो गए हम अहराम में तैयार, अहराम पहन लिए हैं, अभी दौड़ में तैयार हो रहे हैं, टाइम लग रहा है उनको। चलते हैं फिर अंदर मस्जिद में, पढ़ते हैं दो रकात नवाफिल, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से होटल की तरफ, होटल में फिर थोड़ी देर रुक के फिर चलेंगे मक्का की तरफ आगे इंशाल्लाह। चलिए जी, चप्पल के यहाँ पे बिल्कुल अलग से सेपरेट बॉक्स बने हुए हैं, रख सकते हैं, फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। अल्लाहुम्मा अफ्तली अबू व रहमतिका सल्लतु वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लतु वस्सलाम अलैहि या हबीबल्लाह मैंने अस्सलाम मिन फज़लिहि व रहमतिका। चले जी, मस्जिद से बाहर आ चुके हैं, हमने दो नवाफिल अदा कर दिए हैं, हम निकलेंगे आगे मक्का की तरफ। ये है मस्जिद जुराना की जो हिस्ट्री है वो सारी इसमें लिखी गई है इंग्लिश और इसमें। मार्केट में बड़ी चहल पहल है यहाँ की, देखो लोग बाकी काफ़ी खरीदी भी कर रहे हैं, यहाँ पे कच्ची खजूरें भी आधी बेच रहे हैं। ये देखिए कामरियाल, कामरियाल पहुँच गए जी हम बस की तरफ, अपने यहाँ बैठेंगे और निकलेंगे आगे जुराना। यह जी मस्जिद जुराना, जो आज का उम्रा मेरा चौथा उम्रा है, और ये मैं अपनी दादी के लिए करना चाहता हूँ, ग्रैंड मदर मेरे पापा की जो मम्मी है उनके लिए, ये मैं उन्हीं को डेडिकेट करूँगा ये वाला उम्रा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। उसकी शक्ल में आपको बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, आपके सिर पे छोटा नहीं बड़ा पेड़ भर गए दिखेगा, जिसके ऊपर वाक्य है वारे हीरा। मैंने बोला ये सामने जो बड़ा पहाड़ है ऊंट की कुहान जैसा, वो सामने लोग भी चढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आगे की जाने का, पहाड़ खत्म हो रहा है, उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली दिख रही होगी, थोड़ी सी यहाँ पर ही हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही हासिल थी। तो कुरान सूरत की पहली पांच आयत का वो इसी गार में हुआ था। मकबरा अगर इसको बोलते हैं, जी पहुंच गए जी हम होटल, अब थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे हरम शरीफ की तरफ उमरा करने। जार अल ताहिद, तो निकल पड़े हम फ्रेश होके मक्का की तरफ उमरा करने। तो बस हम ये भी हमारी चढ़ते हैं और निकलते हैं मक्का में, मिलते हैं वहीं पे आपसे। ये शुरू करते हैं फिर तवाफ अपना। पहली नज़र पड़ गई इस पर, जो दुआ मांगना चाहते हैं हम मांग लें। तो ये मेरा इंशाल्लाह चौथा उम्रा है, और ये चौथा उम्रा मैं ग्रैंड मदर को डेडिकेट करूँगा, जो भी सवाब मिलेगा इसका सारा अपनी ग्रैंड मदर जो है उनको, पापा की मम्मी को। तो पहले दो उम्रा कर चुका हूँ, चार तीन जो थे उसमें से दो मैं कर चुका हूँ डेडिकेट, एक अपने नानी जी को मतलब मम्मा की मम्मा को, और एक अपने मुर्शिद नानू को जो मेरे टीचर थे उस्ताद उनको, बाकी बढ़िए फिर आते हैं शुरू। से स्टार्ट होता है ये ग्रीन लाइट्स, ये दूसरा उम्र है मेरा, दिन को धूप में लगभग जोहर की नमाज के बाद तपती धूप में। बस करीब पहुंच गए, दो चक्कर रह गए,
बजे हमारा ये पूरे तवाब के साथ चक्कर कंप्लीट होते हैं। अब हिजरे असद को सुनना है। ज़्यादा भीड़ है, मुश्किल है, कोशिश करूँगा मैं, आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह तवाब हमारा कंप्लीट हो गया है। मेरी हालत देख सकते हैं, पसीने से बुरी हालत है। तो इंशाल्लाह आप चल रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ, उनके साथ चक्कर कंप्लीट कर लें, फिर हमारा उमरा हो जाएगा चौथा वाला कंप्लीट इंशाल्लाह। चलिए फिर बढ़ते हैं सफ़ा मरवा की बात। तो करते हैं शुरू फिर सफ़ा मरवा यहाँ से। सफ़र से मरवा का हमारा एक चक्कर हो गया कंप्लीट। यहाँ पे होते हैं हमारे चक्कर कंप्लीट। तो अभी हम साहब जमसम भरेंगे यहाँ से, पोर्टल में रश बड़ा है, फिर दो नवाफिल अदा करेंगे शुक्राने के, फिर होटल की तरफ बढ़ेंगे माशाल्लाह। फिर चौथा उम्र हमारा डन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका सवाब फी सल्लल्लाह में अपनी दादी को पहुँचाना चाहता हूँ, तो अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दें और इसका सारा उम्र का सवाब उनको पहुँचाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से। बाय बाय।